एक अफसोसनाक वाक्या की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। एक आदमी फौत हो जाता है, उसके मरते ही मैयत की मौजूदगी में मरने वाले के अपने प्यारे यानी बहन भाई खून के रिश्ते, उन्होंने ऐसी लूट मचाई कि लोग 1947 का गदर भूल गए। 1947 में तो लूटने वाले गैर थे, मगर यहाँ लूटने वाले इसके सगे बहन भाई हैं। मरते ही मैयत की मौजूदगी में कोई पेटी उठा रहा है तो कोई बेड उठा रहा है, कोई सूफा उठा रहा है तो कोई फ्रीज़र, कोई टेबल उठा रहा है तो कोई पंखा, कोई चारपाई उठा रहा है तो कोई कुर्सी। लेकिन इससे बढ़कर गज़ब ये हुआ कि मैयत के गुस्ल और जनाजा से पहले मैयत की मौजूदगी में बेवा को शादी की पेशकश होने लगी। मरने वाले की दो बीवियां थीं, मरने वाले का साला ये बदबख्त अपनी बहन की सौकन को, जो अभी अभी बेवा हुई थी, मैयत की मौजूदगी में उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तू मेरे से शादी कर ले। बेवा ने कहा, ये कोई शादी करने का मौका है? इसके अलावा इद्दत भी बाकी है। मगर उसका जवाब था, इद्दत क्या होती है? इससे आप उसकी ज़हनी पस्ती, दरिंदगी और जहालत का अंदाज़ा कर सकते हैं। अल्लाह ताला अकल सलीम अता फरमाए।